ओके लेट्स स्टार्ट. केमिकल काइनेटिक्स, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, इट मे बी आयन्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स रिएक्ट और कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन. कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो आपने देखा है कि यहाँ पर रिएक्टेंट होते हैं एंड दे रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर एंड दे कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट. इन केस ऑफ ऑर्डर वॉट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि जो रिएक्टेंट थे उनकी जो पावर्स थी उनको सम कर रहे थे, है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जब हम लिख रहे थे, और वो उसकी ऑर्डर को बता रही थी. बट मॉलिकुलरिटी क्या है, मॉलिकुलरिटी जो सीधा सीधा आपको नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, चाहे वो आयन्स की फॉर्म में हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो, और चाहे वो एटम्स की फॉर्म में हो, वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं और एक केमिकल रिएक्शन तब प्रोसीड होती है और उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं, वो जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ है दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलरिटी. उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी. जैसे एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा. सपोज़ करो हमने ये एक एग्जांपल लिया, हमने एक रिएक्शन लिखी H2+N2+3H2, इट गिव्स twice NH3. नाउ व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन क्या हो जाएगी, तीन देखो आपको जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन के नज़र आ रहे हैं और एक किसका आ रहा है, नाइट्रोजन का, दो रिएक्टेंट है. तो टोटल इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 4. कितनी हो गई इसकी मॉलिक्यूलरिटी, 4. इन अ सेम वे इफ़ रिएक्टिंग स्पीशीज इज़ ओनली वन मॉलिक्यूल, ठीक है, ओनली वन मॉलिक्यूल इज़ टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, देन द मॉलिक्यूलरिटी विल बी 1. बट इफ देर आर टू मॉलिक्यूल्स दैन द मॉलिक्यूलरिटी विल बी 2, एंड इफ द मॉलिक्यूल्स आर 3 दैन द मॉलिक्यूलरिटी विल बी 3. और यू कैन से और यू कैन राइट एज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्शन मे बी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर एंड ट्राई मॉलिक्यूलर, एंड ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. इन केस ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इफ कॉलिजन रिएक्ट या आप लिख दो रिएक्टिंग स्पीशीज इज ओनली सिंगल एटम मॉलिक्यूल और मे बी आयन, ठीक है, अगर केवल आपकी एक सिंगल स्पीशीज़ है तो वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल है H2O2 का अगर आप डिकम्पोजिशन कराते हो तो H2O+ ½O2 ये रिएक्शन होती है. तो यहाँ पर देखो ये H2O2 जो बना है ये सिंगल मॉलिक्यूल है, इसलिए ये रिएक्शन कैसी हो गई, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. ऐसे ही अगर आप डिकम्पोजिशन कराते हो अमोनियम नाइट्राइड का NH4NO2, ठीक है, ये क्या बनाता है N2+2H2O. तो यहाँ पर ये भी एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो ये भी रिएक्शन कैसी हो गई, आपकी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई, ठीक है. इन अ सेम वे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इफ कॉलिजन ऑफ टू स्पीशीज टेक प्लेस, ठीक है, या व्हेन कॉलिजन टेक प्लेस बिटवीन टू रिएक्टिंग स्पीशीज, अगर दो रिएक्टिंग स्पीशीज़ के बीच में कॉलिजन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे twice HI मैंने यहाँ लिखा, इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ बनेगा H2+I2. तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं, है ना, टू मॉलिक्यूल्स आर यूजिंग फॉर दिस रिएक्शन, दैट्स वाई दिस एग्जाम्पल विल बिलोंग टू दी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. अब यहाँ पर आप आ जाओ ट्राई मॉलिक्यूलर. इन अ सेम वे इफ थ्री स्पीशीज टेक पार्ट इन द रिएक्शन, है ना, व्हेन कॉलिजन अकर्स अमंग थ्री रिएक्टिंग स्पीशीज, अगर तीन रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में कॉलिजन हो रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे उसे आप, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है. तो यहाँ पर जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो twice NO+O2 इट गिव्स twice NO2. व्हाट आई एम सेइंग, इफ देयर आर थ्री रिएक्टिंग स्पीशीज देन इट विल कॉल ट्राई मॉलिक्यूलर
रिएक्शन। तो यहाँ पर ये आपका ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया, क्योंकि देखो दो नाइट्रिक ऑक्साइड और एक ऑक्सीजन का यहाँ पर मॉलिक्यूल है, तो टोटल मिलकर हो गए 3, तो दैट्स वाई इट इज़ ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या केवल ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन ही होती है, क्या ट्राई मॉलिक्यूलर से अबव टेट्रा मॉलिक्यूलर या और रिएक्शंस नहीं होती हैं? होती हैं, वो रिएक्शंस भी होती हैं, लेकिन देखो मैंने क्या बताया कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए टू अकर अ रिएक्शन देयर शुड बी कॉलिजन अमंग द रिएक्टिंग स्पीशीज। कॉलिजन जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब इसके जो कई मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसका जो आप मॉलिक्यूल ले रहे हो वो अपने आपने डिकम्पोजिशन किया इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू किया या किसी कैटलिस्ट के थ्रू किया, इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स हैं मान लो इस तरह से, तो दो मॉलिक्यूल आपस में ये कोलाइड हो जाएंगे अच्छे से, इनमें कॉलिजन होना ज़रूरी है, तो ये कॉलिजन हो रहा है। ट्राई मॉलिक्यूलर भी होगा तो भी कॉलिजन की जो संभावना है वो काफ़ी होगी। मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन देन द थर्ड एटम और द थर्ड रिएक्टिंग स्पीशीज शुड बी कोलाइड टू द अनदर टू रिएक्टिंग स्पीशीज एट द सेम टाइम व्हेन दीज टू रिएक्टिंग स्पीशीज आर इन प्रोसेसिंग ऑफ कॉलिजन। जब ये दोनों आपस में कॉलिजन कर रहे हैं उसी समय इस तीसरी रिएक्टिंग स्पीशीज को इन दोनों के साथ एक ही टाइम पर कॉलिजन करना है, तब तो ये कॉलिजन इफेक्टिव होगा, आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर इस कॉलिजन में इस तरीके की कुछ कंडीशन बनी कि ये दो रिएक्टिंग स्पीशीज़ ये तो आपस में कॉलिजन कर रही हैं लेकिन जो तीसरा अटैकिंग एटम है वो या तो इसी पर आकर जुड़े या फिर इसी पर आकर जुड़े, तो ये अनइफेक्टिव कॉलिजन हो जाएगा, है ना, अनइफेक्टिव कॉलिजन हो जाएगा। इफेक्टिव कॉलिजन यही होगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के मिलने की संभावना कम है। लेकिन अगर आपकी मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन की यूनिमॉलिक्यूलर है या बाई मॉलिक्यूलर है तो वो रिएक्शन ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वहाँ पर कॉलिजन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन और टेट्रा मॉलिक्यूलर और मल्टी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स का आपस में एक दूसरे के साथ एक ही समय पर कॉलिजन हो पाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रोडक्ट्स तो आपको मिलेंगे लेकिन बहुत देर से मिलेंगे, रिजल्ट्स बहुत धीरे आएंगे, है ना। तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो कॉलिजन जो रिएक्शंस होती हैं वो यूनिमॉलिक्यूलर और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में हो गया कि ट्राई मॉलिक्यूलर या जो टेट्रा मॉलिक्यूलर या उससे भी ऊपर मॉलिक्यूलरिटी रखने वाली जो रिएक्शंस हैं दे आर नॉट इफेक्टिव बिकॉज साइमल्टेनियस कॉलिजन विल नॉट टेक प्लेस इन दिस केस। बट साइंस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। सो यहाँ पर भी एक आपको एक्सेप्शन देखने का मिलेगा जब ब्रोमाइड आयन ब्रोमेट आयन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट करता है तो वो मल्टी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाती है। शायद वहाँ 12 मॉलिक्यूलरिटी रहती है तो बहुत सारे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो वो रिएक्शन चलती है। तो ये आपको समझ में आया, ऑल दिस वॉज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलरिटी कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो आप देखते ही किसी भी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी को बता सकते हो कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, ठीक है। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्टेप्स बाय विच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। अगर अब हम मैकेनिज्म की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म क्या है? कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, देर आर वेरियस स्टेप्स, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्टेप्स बाय विच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड mechanism of the reaction, उसे हम reaction की mechanism कहते हैं। The rate of reaction which is determined by the slowest step in the sequence, this slowest step is called rate determining step। देखो कोई भी reaction हो रही है, reactant से आपके पास यहाँ product बन रहा है, लेकिन उस reactant से जब product बन रहा है तो उस reactant से product बनते समय एक तो ये स्टेप है कि सीधा यहाँ से यहाँ ये पहुँच गई, ये एक तो पाथ हो गया इस रिएक्शन के होने का। एक ये हो सकता है कि पहले इससे ये ए बना, ए से फिर ये बी बना और फिर बी से सी बना एंड देन सी से ये पी पर पहुँचा, तो ये तो एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो गई। तो ये तो एक एलिमेंट्री प्रोसेस हो गई सिंगल स्टेप में। लेकिन ये यहाँ से यहाँ बना, इससे ये प्रोडक्ट बना, फिर ये और देन ये लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बना,
तो इसका मतलब ये स्टेप वन हो गया, देन ये स्टेप टू चला, फिर ये स्टेप थर्ड चला एंड देन ये स्टेप फोर चला। तो इसका मतलब एक एक प्रॉबेबिलिटी ये भी है कि ये रिएक्शन इन चार स्टेप के अंदर फॉलो हो। समझ में आ रहा है? तो दीज साइमल्टेनियस स्टेप्स, ठीक है, बाय विच रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इन टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो ये स्टेप्स मिलकर इसका क्या बना रहे हैं? मैकेनिज्म बना रहे हैं इस रिएक्शन का। अब इसमें से कोई स्टेप स्लो हो सकता है, कोई स्टेप हो सकता है फास्ट हो, ये भी हो सकता है फास्ट हो स्टेप, और ये भी स्टेप हो सकता है फास्ट हो। तो ये जो सारे फास्ट स्टेप हैं, ये नहीं बल्कि जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इस स्लोएस्ट स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। दिस इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप जैसे मान लो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और क्लास के अंदर 8 स्टूडेंट्स हैं, देर आर 8 स्टूडेंट्स, लेकिन आपको पता है सभी को साथ लेके चलना पड़ता है। मेरे पास टारगेट है कि मुझे 1 वीक के अंदर सिलेबस पूरा कर, एक चैप्टर पूरा कराना है, ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट उसमें ऐसा है जो बहुत स्लो है। अगर मैं उस स्लो स्टूडेंट को नज़रअंदाज कर दूँ तो वो भी गलत है। तो मुझे मेरा कोर्स भी पूरा कराना है, लेकिन फिर वो उस तरीके से मुझे चलना पड़ेगा कि मैं वो जो स्लो लर्नर है उसको भी साथ लेके चलूँ, है ना, आगे नहीं बढ़ सकती। या फिर आप इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हो कि सपोज़ करो कि एक कंपनी है जो साइकिल बनाती है, तो उसमें ब्रेक्स भी बनते हैं, ठीक है, टायर्स भी बनते हैं, ठीक है, इसके अलावा पेडल्स भी बन रहे हैं अलग से, ठीक है, उसकी पूरी जो बॉडी है वो फ्रेम हो रही है, यानी बॉडी फ्रेम जो है वो बन रहे हैं। अब मान लो ब्रेक तो दिन के अंदर 50 ही बन रहे हैं, टायर मान लो दिन के अंदर 2000 बन रहे हैं, पैडल सपोज़ करो 25 ही बन रहे हैं दिन के अंदर, और जो बॉडी फ्रेम है वो 10 ही बन रहे हैं। अब हालांकि ब्रेक्स भी बन गए, मान लो ये 500 बने, ये भी बने ज़्यादा, ठीक है, पैडल्स भी मान लो आपके ये बन गए 250 बन गए, लेकिन देखो बॉडी फ्रेम ये तो 10 ही बने हैं जिस पर इन सबको आपको अटैच करना है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। कंपनी इन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी बना रही है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में नई साइकिल्स जल्दी जल्दी नहीं उतार सकती, नहीं लॉन्च कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि भाई जो बॉडी फ्रेम है वो तो दिन में 10 ही बनकर तैयार हो रहे हैं, तो दिन में केवल 10 ही तो साइकिल हैं जो प्रिपेयर हो सकती हैं। तो इसका मतलब उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो इसके ऊपर डिपेंड हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका मतलब ये स्लोएस्ट स्टेप हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जो उस किसी भी रिएक्शन की रेट को डिसाइड करता है। इतनी बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ करो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NO2F2। अब फॉर्मेशन ऑफ NO2F2 हमें करना है, तो लेकिन ये जो एक रिएक्शन है वो ऐसे होती है, NO2+F2 इट गिव्स ट्वाइस NO2F। लेकिन जब आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ऐसे होता है, NO2+F2 इट गिव्स NO2F+F, ठीक है, फर्स्ट एंड देन सेकेंड, NO2F+F इट गिव्स NO2F, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे। अब ये कुछ नहीं था यहाँ पे, इस F से F कट जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आई, ट्वाइस NO2+F2 इट गिव्स ट्वाइस NO2F। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों स्टेप हुए हैं रिएक्शन में, लेकिन ये स्लो था और ये फास्ट था। अब आप कहोगे ये कैसे पता चलता है, ये सब एक्सपेरिमेंटली पता चलता है ना। तो ये स्लो स्टेप था और ये फास्ट स्टेप था, तो जो स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप में से स्लो स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यानी अगर अब मुझे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, यानी मुझे इसका रेट लॉ लिखना है, एक्सप्रेस करना है इसकी रेट को, तो मैं कैसे करूँगी? देखो मॉलिकुलरिटी इसमें आपको कितनी दिखाई दे रही है, 3, है ना, मॉलिकुलरिटी इस रिएक्शन के लिए 3 हो गई, बट ऑर्डर इज़ नॉट 3। तो रेट लिखेंगे हम सबसे पहले, तो इसके लिए रेट लॉ क्या हो जाएगा, NO2 की पावर, ठीक है, KNO2 की मोलर कंसंट्रेशन एंड F2 की मोलर कंसंट्रेशन। अगर हम सीधा इसको लिख के लिख देते रेट लॉ तो कुछ और होता, NO2 की पावर 2 होता, लेकिन देखो यहाँ स्लो स्टेप है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर अब आपकी इसकी ऑर्डर को डिसाइड करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को स्लोएस्ट स्टेप ही डिटरमाइन करता है, तो ऑर्डर इसकी क्या हो गई, 2, 1 इसके रिस्पेक्ट में और 1 इसके रिस्पेक्ट में, और अगर इसके हिसाब से करते तो 3 ऑर्डर आती रिएक्शन की। लेकिन अगर आप इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करोगे तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3।
तो इसका मतलब जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज़ अ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, बट मॉलिक्यूलरिटी इज़ अ थियोरटिकल कंसेप्ट जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जैसा आपने लिख दिया, ठीक है। तो अब जैसे ये स्टेप में हुई है, तो ये जो सिंगल स्टेप्स हैं इनको हम एलिमेंट्री प्रोसेसेस भी बोलते हैं, ठीक है। और जब ये मिल जाते हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोल देते हैं। अगर किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म में बहुत सारे स्टेप्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वो रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसी हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, दैट वॉज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा होगा और कॉलिजन एफिशिएंसी कम होगी। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर की वैल्यू है, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो भी जो स्लोएस्ट स्टेप है वो ऑर्डर को डिटरमाइन कर देगा। स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट को डिटरमाइन करेगा, और अगर रेट डिटरमाइन एक बार आपकी हो गई तो उसके बाद ऑर्डर तो आप निकाल ही सकते हो। तो दैट वॉज अबाउट मॉलिक्यूलरिटी एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड इन टू नेक्स्ट क्लास।